नमस्कार दोस्तों, हमारे क्लिनिक पे बहुत आयत से एंजाइटी डिप्रेशन के लोगों की तादाद बढ़ रही है और इनमें यूथ से लेकर के टीनेज से लेकर के एजेड लोग भी शामिल हैं। मींस आपका 55-60s में भी लोग शामिल हैं जो कि एंजाइटी डिप्रेशन इंसोमनिया ट्राकिकार्डिया से परेशान हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे दिनों में हमने यूथ को कंसीडर करके चले तो बहुत सारे बच्चे यंग वंस आए हमारे पास जिनको हमने किस तरीके से उनको ठीक किया, किस तरह से वो ठीक हुए और बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ उसमें किया ही नहीं गया। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब चीज़ें आपसे शेयर करूँ जिससे आप, कुछ बच्चे हैं हेजिटेट कर रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पेरेंट्स को भी नहीं शेयर कर रहे हैं। तो आसान नहीं है हर कोई बच्चा हमारे क्लिनिक तक पहुंच पाए, पेरेंट्स उनको समझ पाएँ और वो हमें फॉलो कर सके। तो इस कारण से हमने सोचा कि हम इस तरीके से आपको शेयर करें चीज़ें, अपने व्यूज शेयर करें और जो बच्चे ने देखें या आप उन्हें शेयर करें तो वो अपनी इन चीज़ों को अपने हैबिट में लाएं और इन सब चीज़ों से कोप अप कर सकें। तो सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम इतना एंजाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं या फियर एनर्जी, फोबिया, डर लगने लग जाता है किसी भी चीज़ से, एग्जामिनेशन फियर हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है हमारा मेडिटेशन, जो बहुत वर्क करता है, पर देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ मेडिटेशन। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने तरीके का मेडिटेशन प्रचलित है। तो इसमें कैसे समझें आप कि क्या हमारे लिए ईजिएस्ट है और क्या हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप मेडिटेट कर सकते हैं और आपके लिए वो हर वक्त अवेलेबल है? ये है आपकी अपनी ब्रेथ। क्योंकि अगर मैं कहूँगी कि ओम पे ध्यान लगाइए, अगर मैं कहूँगी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, कोई ऐसी मूर्ति बनाइए जिस पे आप ध्यान लगाइए, तो इट्स रियली वेरी टफ कि आपको वहाँ तक जाना है, वो पोजिशन बनानी है या कोई बिंदु लेना है, उस पर ध्यान लगाना है। कहीं पे भी आप हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, अगर आपको हल्की सी पैल्पिटेशंस हाई है, क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ एक हैबिट को इनबिल्ट करना है अपने आप, और बहुत आसान है। आप जस्ट अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जस्ट ट्राई टू वॉच योर ब्रीदिंग, फील योर ब्रीदिंग सेंसेशन अराउंड योर नॉस्ट्रिल अपसाइड द अपर लिप। अचानक से आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स होंगे वो इरेज हो चुके होंगे, वैनिश हो चुके होंगे। बच्चे अपनी एंजाइटी, जो हमारा यूथ होता है, वो बहुत जल्दी कैच करता है, पर ज़रूरत है कि हम उन्हें सही टाइम पे अवेयर कर सकें। तो अगर हम अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करेंगे, अपनी ब्रीदिंग को देखना शुरू करेंगे, उसको फील करना शुरू करेंगे, तो हम सबसे पहले, हमारा हार्ट बीट रिलैक्स हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जीज चली जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी और जो माइंड में बहुत सारी क्लटरिंग चल रही थी वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाएगी। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे आप बहुत काम पीसफुल हो गए हैं। पर इनिशियली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली आपको याद नहीं आएगा कि हमें अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करना है। और जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, गुस्सा जल्दी जल्दी करते हैं, तो अगर कोई आपको एडवाइस भी करता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपनी ब्रेथ को देखना तो इट्स रियली सबसे कठिन काम है दुनिया में, पर ऐसा नहीं है, आप ऐसा इजीली कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको उसकी हैबिट अदर टाइम्स में डालनी पड़ेगी, उस समय पे नहीं जिस समय पे एंजाइटी है, क्योंकि उस समय तक आते आते आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जो बच्चा इस तरह से परेशान है या बड़े परेशान हैं अपनी एंजाइटी से, गुस्से से, फियर से, फोबिया से, इंसोमनिया से, तो वो ठीक करने का ये तरीका होता है, किसी भी बीमारी को ठीक करने का, कि बीमारी आ जाए, जब आपको प्रॉब्लम है उसी वक्त आप कैसे करें, तो दिस इज़ मेडिटेशन। एक टैबलेट नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई और आपने खा ली, जब आई प्रॉब्लम तभी खाई। बट अभी क्या है, आपको अपने सिम्टम्स पता हैं कि हाँ मैं इस परेशानी से सफ़र कर रहा हूँ, तो आपको उस समय पे वो काम नहीं करना है, आपको उसके अदर टाइमिंग्स में
मतलब बाकी पूरे दिन, मान लीजिए आप दिन भर में 2-3 बार एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा हो रहा हूँ कि मुझे फियर आ रहा है, एग्जामिनेशन फियर हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ऐसे समय पे जो इस तरह से मेडिटेट करना है ब्रेथ पे, तो अगर मैं एडवाइस करूँगी तो भी नहीं होगा, कोई पेरेंट्स आपके एडवाइस करेंगे तो भी नहीं होगा, आपको पहले इसको अपनी आदत में लाना पड़ेगा और दिन भर में बहुत सारा समय इस पे मेडिटेट करना पड़ेगा। लाइक हर 2-3 घंटे पे आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दें, आंखें बंद करें और शांति से अपनी आती जाती ब्रेथ को देखने की कोशिश करें। ट्राई टू फील योर ब्रीदिंग, ट्राई टू वॉच योर ब्रीदिंग। जी हाँ, आप अपनी श्वास को देख सकते हैं और उसको देखना बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा आपको, एकदम रिलैक्सेशन की फीलिंग। तो सबसे पहले आप इस सबसे छोटे टिप को फॉलो करें। आगे आने वाले टाइम में हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और मोटिवेट हो सकें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और आगे मैं नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगी इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले तो दिन भर में हम एक ये प्रिमिटिव लेवल का मेडिटेशन सीखें, न सिर्फ सीखें अपनी आदत में उतारें और दिन में कई बार इसको करें। 10 ब्रेथ्स, 20 ब्रेथ्स आपने उसको इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग। कभी कभी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पर जस्ट कि आपकी ड्यूटी है, लाइक एक प्रिस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर लिखता है, इस तरह से इसको करें कि हाँ ये काम करना है और इसको करें। कमेंट्स में लिखें, आपका जो भी क्वेरी होगा वो हम सॉल्व करेंगे। बाकी आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9793849333। थैंक यू।